हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिशा जॉब एकेडमी। सो इस सेशन रे आम आसतु डिस्कस करवा ओएसएससी बीएसएसओ जो आपंकर एग्जाम होता तार टोटल डिटेल सॉल्यूशन देखा विथ रेस्पेक्ट टू योर ऑफिशियल आंसर की दैट हैज बीन पब्लिश्ड बाय योर ओएसएससी और एथसहित आम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा आनालीसीस देखा सो दैट आपंक आगे जो एग्जाम अच्छे से आपको हेल्पफुल हम और या सहित आपंकर क्वेश्चन्स चेक करेंगे जोटा कि ओएसएससी आपंकर वूल आपंक पब्लिश कर सैटिस्फाई लगे तो आपंकर ग्रीवेंस आपंकर रेज करेंगे। ओके, सो आई विल टेल यू दोज क्वेश्चन्स ऑल्सो। तो एवं किसी क्वेश्चन जब आम डिस्कस करवा तेज किसी क्वेश्चन आपंकर ओएसएससी प्रीवियस ईयर जो आपंकर आसाला पूर्व एग्जाम्स सप्लाई इन्स्पेक्टर हो सब इन्स्पेक्टर हो क्वेश्चन रिपीट हो क्वेश्चन लेवल जब देखा तो क्वेश्चन आपंकर इजी तो नाला बट इट वाज मॉडरेट टू हाई लेवल। ओके, बट जेहतु आपंकर बहुत गुड़े क्वेश्चन आपको रिपीट हो सो दैट्स वे वी कैन से दैट मैंने इट इज आक्सेप्टेबल बिकज करेंट अफेयर्स भी किसी आसी कितु देखाला मैंने मेजर बहुत आपंकर साइंस क्वेश्चन आपंकर बहुत ये आसाला। ओके, एगेन से आपंकर आयुष में हेल्प कर। सो एनीवेज आसतु आप फर्स्ट क्वेश्चन हमें डिस्कस करवा सेट टू हम पाक आसाला सो सेट टू क्वेश्चन गुड़क हमें डिस्कस करवा। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आप देखते इंडिया एंड मलेशिया भितर आपंकर सी पचार करेंटली व्हिच ऑफ़ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैज बीन ए मेजर इश्यू। तो बहुत हॉट न्यूज आपंकर पूरा टोटल देश में गोटे हो हल्ला होता जितने आम इंडिया आपंकर 370 आप स्पेशल स्टेटस जम्मू काश्मीर तक रिवोक कैं से आपंकर लद्दाख और जम्मू काश्मीर को दुईट यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करे से मलेशिया प्राइम मिनिस्टर आपंकर जो महाथिर मोहम्मद सी आपंकर कहती जे इंडिया आपंकर मानने मैंने जबरदस्ती इनवेडेड और अकुपाई कर जम्मू काश्मीर को। सो से पाकिस्तान सहित मिसिक ये इश्यू को रिजल्व करा दरकार। तो से आम पाम ऑयल जो आपंकर समस्त जानते आम मलेशिया मेन मेजर इंपोर्ट हुए तो पाम ऑयल आपंकर इश्यू ये होता। सो पाम ऑयल करेक्ट आंसर हम वन ए हम। तापर सर देखो इंडिया हाज एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर्स एज पर द इंडस वाटर टीटी। तो आप जानते बारंबार रिपीटेड क्वेश्चन और इंडस वाटर टीटी जब आपको ओपीसी ओएसपे भी जो मैंने प्रिपेयर करते इंडस वाटर टीटी ऑल्सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आप देखिए प्रीवियस मैंने बहुत जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप फॉलो करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी विषय में आपंकर बहुत क्वेश्चन आपंकर पाए। ओके, सो ज्योग्राफी ऑप्शनल पे भी इंपोर्टेंट और आपंकर जीएस पे भी इंपोर्टेंट। सो यार करेक्ट आंसर आपको रखे सो रवि व्यास सतलज आपंकर जानते सो ए ये जो ट्रीटी होता आम जो ईस्टर्न रिवर रवि व्यास सतलज ये आपंकर इंडिया को वेस्टर्न रिवर जो रहा आईजेएस फुल फॉर्म मन रखते इंडस झेलम छेनप तो सीटा आपंकर पाकिस्तान तो रेगुलेट होता आप इंडस वाटर ट्रीटी में। तो यार करेक्ट आंसर आपंकर सी हम राइट। नेक्स्ट आप देखो व्हिच नंबर वाज विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो सबुतक मैथ्स क्वेश्चन आम कहीपर रीजनिंग मैथ्स क्वेश्चन बहुत इजी आसाला इजी टू मॉडरेट आपंकर आसाला देखो। तो ये आप करेक्ट आंसर आपंकर हम सेवेन हम थ्री रेवेन हम जब देखिए तो डिफरेन्स आपंकर धीरे धीरे आपंकर बढ़ुच्छे आगे डिफरेन्स ट्वेल्व तपर एटीन तपर ट्वेंटी फोर तपर थर्टी सिक्स ये टाइप आपंकर बढ़ुच्छे तो सेवेन आप करेक्ट आंसर हम थ्री ए। नेक्स्ट आप देखो ये जो फिगरटा आप जब भले से मार्क करेंगे तेज फोर फिगरटा कंप्लीटली आपंकर सुपर इम्पोज हो जाए। देखो ये मझी जो आपंकर रही है गारटा तो ये मझीटे आपंकर रहा दैट इज जो ये आपंकर डायगोनाली आपंकर रही है तो यहाँ हूँ आप डायगोनल यहाँ हूँ आपंकर इमेज तो ये इमेजा कंप्लीटली आपंकर सुपर इम्पोज हो जाए। सो योर फोर यू विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हिच इज द व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द प्लेयर्स हू कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन इनफॉरमेशन। सो यार करेक्ट आंसर आपंकर केमती हम ना थ्री हम सी पचार सर आपंकर मिनिमम के नंबर नहीं कि आप सजे पारे सो दैट टू प्लेयर्स विल बी इन फ्रंट ऑफ ए प्लेयर। देखो ये प्लेयर जब ने आगे आप दुटा प्लेयर अच्छे कंडीशन सैटिस्फाई होती टू प्लेयर्स बिहाइंड ए प्लेयर या पचर आप दुटा प्लेयर होती सैटिस्फाई होती एंड वन प्लेयर बिटवीन टू प्लेयर्स और गोटे आप दिजन मझे अच्छी तो सबुतक कंडीशन सैटिस्फाई होती आम तीन आप मेंबर्स ऑफ तीन टा प्लेयर्स हमें नबा सो हियर थ्री विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव ऑफ द बैट्समैन ऑफ ए टीम ए बी सी डी ई स्कोर्ड एट एन एवरेज ऑफ 36 रन्स इन ए क्रिकेट मैच व्हाइल बी एंड सी टुगेदर। सो कंप्लीटली आप जब इक्वेशन लिखे लिखे चलिए तब आप आंसर हो। ओके, सो इक्वेशन मुझे कही दूसरी आप सॉल्व करेंगे डायरेक्टली आंसर पाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सी कौन ए बी सी डी टोटल आप प्लस बी प्लस ई प्लस डी प्लस ई इक्वल टू के ना आप 36 इंटू फाइव दैट मीन योर 180। ओके, सो के करेंगे 30 इंटू फाइव के 150 और 6 इंटू 5 के 30 150 प्लस 30 180। ओके, जब आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके कष्ट होती 36 इंटू 10 ना आप कमी करेंगे कारण कैलकुलेशन एगुड़क होती आप मैंने इजी कैलकुलेशन करेंगे एगुड़क बैंकिंग क्लास में कैट क्लास में शिखा हुए। ओके, सो 36 इंटू 10 करेंगे। ओके, 36 इंटू 10 के 360 बाय 2 करदे 180 अधा हो टाइप आप इजी कैलकुलेशन कराए। एनीवेज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट इक्वेशन लिखिए ए प्लस बी प्लस सी डी इक्वल टू 180 है फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन से कहते जे बी आउ सी मिसेक आपंकर के रन स्कोर कर 107 कर बी प्लस सी मिसेक 107 कर तापर सर आपंकर कौच बी स्कोर वाज इक्वाल टू द स्कोर्स ऑफ डी एंड ई ताने आपंकर बी र स्कोर्स जहाँ डी आउ ई र कंबाइंड स्कोर आपंकर से बुझिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन से कहते इफ डी स्कोर वाज 5 मोर देन ई ताने से कहते डी र स्कोर हो ठार्च अधिका
देन एंड ई स्कोर इज 8 लेस देन ए ई स्कोर होची आपनकर ए रु 8 कम बुझी पाले ये सब तक इक्वेशन को आपन जदि कंबाइंड लिख करिवे तबे आपनकर सॉल्व आपनकर डायरेक्टली हे जीवो सो यार करेक्ट आंसर आपनकर 62 हबो करेक्ट आंसर ओके सो सॉल्व करिवे जदि आपनकर न हबो तले आपनकर कहिवे कमेंट्स रे आपनकर पोस्ट करिवे आ उठे सेपरेट वीडियोस रे मेक कर देबा इजी क्वेश्चंस गडियो सब देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चंस ए चाइल्ड रोट 1 2 3 6 6 एमते क्वेश्चंस पे हम प्रैक्टिस ऑलरेडी करै छे मॉक टेस्ट मध्ये ए क्वेश्चंस आपनकर रहितला देखंतु 1 2 3 6 6 जदि सीरियली लिखिवो से कोची केतरा आपनकर डिजिट्स आपनकर लिखिबे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जदि हम देखिबा 1 रु 9 भितर आपनकर केतरी डिजिट आपन टाइप करिवे 9 9 तापर आपनकर धरम 10 रु आपनकर 99 नेबी ताले केतरी डिजिट हबो 99 माइनस 10 केते 89 प्लस 10 टाक भी इंक्लूड करै पडियो राइट ता माने 90 डिजिट रहइबो बुझी पाले माने सॉरी 90 टा नंबर रहला ताले 90 इनटू 2 सब थरे दी दीटा नंबर ता माने 180 रहला बुझी पाले ता माने सिंगल डिजिट हला 1 रु 9 भितर 9 डबल डिजिट 90 10 रु 99 हला 180 ता परे सर आपन को देखंतु 100 रु आपन को 100 रु केते आपन को नंबर 36 100 रु 366 राइट सो 366 माइनस आपन को 100 करंतु सो दैट इज योर 266 प्लस 1 दा माने 267 राइट सो 267 इनटू आपन को 3 तीनटा आपन को नंबर रहइबो बुझी परचंदी सो आपन को टोटल आपन जदि प्लस कर देबे तो यार करेक्ट आंसर आपन को 990 हि जइबो ओके सो 801 आपन को हबो 7 जदि आमे देखु मल्टीप्लाई करबा तबे एटा आपन को हबो 801 सो 801 प्लस 90 दैट इज 891 प्लस 901 सॉरी 801 प्लस 180 सॉरी इटा ओके 801 180 प्लस आपनकर 9 तो टोटल आपन मिसि देले 990 हो सॉरी ओके सो 990 आपन करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखंतु ए 1 mm थिक पेपर इज फोल्डेड इनटू हाफ ऑफ इट्स साइज एवरी टाइम व्हाट विल बी एप्रोक्सीमेट थिकनेस आफ्टर 50 सच फोल्डिंग्स तो यार करेक्ट आंसर आपन केमती काढिबे तो देखंतु गोटे आपनकर थिकनेस आपन गोटे पेपर आपन नोचंदी जहार थिकनेस आपनकर 1 mm अछि ताकु जदि सिंपली आपनकर फोल्ड करिवे ताले सेटा आपनकर कोन होई जीवो देखंतु एमती गोटे आपनकर पेपर अछि ए पेपर टाक जदि म एमती फोल्ड करली ताले 1 mm रो थिकनेस आपन केते हला 2 mm हे गेला राइट तबे एबे आ गुटे जतळ आमे फोल्ड करिबा से 2 टा आपन कर कोन होबो 4 हे जो बिकॉज आपन को दी फोर्थ आपन कर एठी ऐड होबो बुझी परछन तो ए फोल्ड ए थ्रू ए टू जदि आपन फोल्ड करिवे तले यार गुटे 1 mm एवं यार गुटे 1 mm आपन कर कोन होबो सुपर इंपोज हे जो बुझी परछन कथा रा तो सेति पई की यार करेक्ट यार जो थिकनेस हे जीवो गुटे फोल्ड परे 2 टू द पावर 2 हे जीवो एमएम बुझी पाले गोटे फोल्ड रे मोर देखंतु एठी मो बुझौ छी गोटे फोल्ड रे आपनकर 2 एमएम रहितला राइट जत सिंपली खाली आमे गोटे थरे फोल्ड गले तापर जत सेकंड फोल्ड आमे करू छे 2 रो स्क्वायर आमे कहि परिया बिकॉज़ 4 एमएम हे जाउ छी सिमिलरली जत 3 टाइम्स आपन फोल्ड करिवे अगेन तार 3 टाइम्स हे जीवो बुझी परछ माने 2 रो क्यूब हे जीवो 8 8 एमएम आपनकर हे जीवो एही प्रकार आपन जत 50 थरे आपन फोल्ड करिवे तले आपनकर आंसर कोन हो 2 टू द पावर 50 एमएम बुझी पाले 2 टू द पावर 50 एमएम जेहेतु आपनकर ऑप्शनस रे किलोमीटर दिछि सेति पई कि आमे को डिवाइडेड बाय आपण जानि छथि 2 टू द पावर 50 1 किलोमीटर केते 1000 मीटर राइट एवं 1 मीटर केते 1000 एमएम त माने आपणकर 1000 इनटू 1000 आपणकर करिवे बुझी पाले तो यार करेक्ट आंसर आपणकर आसी जीवो 1 बिलियन किलोमीटर ओके सो 1 बिलियन किलोमीटर आपणकर करेक्ट आंसर हबो तो ताको आपणकर सॉल्व करिया पे आपण लॉगरिथम आपणकर यूज करि परिवे सो लॉग एक्स आपण जतळे आंसर आपणकर काढिवे सो एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर 50 डिवाइडेड बाय 1000 रो आपणकर स्क्वायर हे जाइथिबो ओके सो ए टाइप रे आपणकर रहिबो तो एठी आपणकर लॉग एक्स आपण करि परिवे सो लॉगरिथम दी पर जदि आमे अप्लाई करिवा तबे लॉग एक्स हबो आपणकर केते बेस पढ़ाई सो 2 टू द पावर 50 होछ माने केते हो 50 log 2 हे जीवो एवं log 2 रो वैल्यू आपण मन रखतो दरकार स्टैंडर्ड वैल्यू उडी को मन रखिबे log 2 रो वैल्यू होछ आपणकर 0.3010 ओके सेमती आउट ए क्वेश्चन आपणकर मध्ये देछि रूट 3 रो आपणकर जोटी वैल्यू पके पडियो रूट 2 रो वैल्यू पके पडियो रूट 2 रो वैल्यू केते 1.414 रूट 3 रो वैल्यू केते 1.732 ई सब स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन आपण माने नियाते मन रखतो दरकार एवं log 10 रो वैल्यू केते 1 ओके तो ई टाइप आपण जदि सॉल्व कर देबे त आपणकर आंसर पढाई आसीबो ओके सो 1 बिलियन किलोमीटर आपणकर आंसर हबो नेक्स्ट आपण देखंतु which of the following number is divisible by 42 so 42 apan kemti apan split kari paribe 6 ebong 7 re apan split kari paribe ebong check kari paribe to yara correct answer apan 9 ra b hobo okay so ethere basic kichi apan explanations kari war nai ebong jeto bele bi apan chahun chan je gote bi number ko divisible kariya pai तो तार फैक्टर्स को आपन नहीं कि आप टेस्ट कर पारती एवं प्राइम नंबर्स और फैक्टर्स जब आपको हो तो प्राइम नंबर्स और फैक्टर्स जहाँ भी तरह आसूब ताक भी जब आपको डिविजिबल भी जब आप स्प्लीट डिविजिबल करेंगे जदि से नंबरटा डिविजिबल होती से नंबरटा से नंबर में आपको डिविजिबल होगा ओके नेक्स्ट देखो ऑन द रिपब्लिक डे सम चॉकलेट्स वेयर ब्रॉट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग 125 चिल्ड्रेन टू स्कूल सच दैट ईच वन गेट इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हाउएवर 25 चिल्ड्रेन वेयर एब्सेंट ऑन द ओकेजन फॉर which each children each child got two chocolates extra तो ये टाइप क्वेश्चन आपंकर बहुत इजिली आप सल्व करेंगे जदि आप गोटे मानने गोटे भल आनालीसी आपने देखो सो
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 100ଟା 125 ଜଣ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଥିଲେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଥିଲେ 125 ଜଣ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଆପଣଙ୍କର ହବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ 25 ଜଣ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ 100 ଜଣଙ୍କୁ 25 ଜଣ ଯଦି ଆବସେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆଉ କେତେ ରହିଲେ ବଳିକ 100 ଜଣ ରହିଲେ 100 ଜଣଙ୍କୁ 2-2 ଚକୋଲେଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିଛି ତା ମାନେ 25x ଆମେ ଯଦି ଧରିବା 25x ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେବ 100ଟା ପିଲାଙ୍କୁ 2 ଚକୋଲେଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିଛି ମାନେ କେତେ 25x ଇକ୍ୱାଲ୍ 200 କି ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଏକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆସିଲା 8 ଆସିଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକ୍ସ କେତେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର 8 ଆସିଲା ତାହେଲେ ଏବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ହାଉ ମେନି ଚକୋଲେଟ୍ସ ୱେୟାର ବ୍ରଡ଼ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପାଇବା କଥା ନା 8 ଜଣ ଆପଣଙ୍କ 8ଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଇବା କଥା ଓକେ ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 125 ଜଣ ଚକୋଲେଟ୍ ମାନେ 125 ଜଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେବ 125 ଇଣ୍ଟୁ 8 ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ୟୋର 1000 ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ ଇଜିଲି ଦେଖନ୍ତୁ 125କୁ 8କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ 2 ଇଣ୍ଟୁ 4 ଓକେ ସୋ 125 ଇଣ୍ଟୁ 2 କେତେ 250 25 ଇଣ୍ଟୁ 4 ଆମେ ଜାଣିଛୁ 100 ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ୟୋର 1000 ହେଇଗଲା ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କରିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ସମ୍ ଟୋଟାଲ ଅଫ୍ ଦ ଏଜେସ୍ ଅଫ୍ 3 ବ୍ରଦର୍ସ ଇଜ୍ 44 ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଇଜ୍ 4 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡର୍ ଏଗେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଲେଖି ଲେଖି ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ B1, B2, B3 ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି 3ଟା ବ୍ରଦର୍ ଥିଲେ ସେ କହୁଛି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି B3ର ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ନେବି ଏକ୍ସ ସେ କହୁଛି ଯେ ସମ୍ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 44 ତ ମାନେ B1 + B2 + B3 44 ଏଗେନ୍ ସେ କହୁଛି ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଇଜ୍ 4 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡର୍ ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଠାରୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 4 ବଡ଼ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ 4 ଏବଂ B2 ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଡବଲ୍ ଏଜ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ତାମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ଏକ୍ସ ନେବି B2ର ଏଜ୍ କେତେ ହେବ 2x ଆଉ B1ର ଏଜ୍ କେତେ ହେବ ନା 2x + 4 ହେବ ସିମ୍ପଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଯଦି ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ ତାହେଲେ x + 2x + x + 4 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବିଲ୍ ବି 5x = 44 - 4 ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 40 ଏକ୍ସ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 8 ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ରଦର୍ ଏଜ୍ ଆମେ କେତେ ନେଇଥିଲେ 2x ତା ମାନେ 2 ଇଣ୍ଟୁ 8 କେତେ 16 ବୁଝିପାରିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ 4-ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଭିଜିବଲ୍ ବାଇ 15, 25, 40, 75 ତ ଏକୁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କରିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର OCC ପଚାରୁଛି ଓକେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ମେଥଡ୍ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ LCM ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ସରେ କାଢ଼ିଦେବେ 15, 25, 40, 75 ଓକେ ସୋ ୟାର LCM ଆପଣଙ୍କର କାଢ଼ିଦେବେ ୟାର ଆନ୍ସର ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କର 600 ତ 600କୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ 4-ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଡିଭିଜିବଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ 600କୁ 4-9 ଓକେ ସୋ ହେଉଛି ସବୁଠୁ କ'ଣ 4ର ମାନେ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ 4-ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କେତେ 4-9, 9999 ଦେଖୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡିଭିଜିବୁଲ୍ କରିବେ ତ ୟାର ରିମାଇଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବେ 399 ବୁଝିପାରିଲେ ତ 399 ଯଦି ଆମେ 4-9ରୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଆସିବ 9600 ସୋ 9600 ଆପଣଙ୍କ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଲ୍ସ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯଦି ନମ୍ବର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମାନେ ଟିକେ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ନମ୍ବର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସିମ୍ପଲି ଡିଭିଜନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନେବେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭିଜିବୁଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଖିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଉନି ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ତ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ୍ ମେଥଡ଼ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗିଭେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ରେସିଓ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ A:B, B:C ଦେଇଛି A:B:C ସୋ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 7:3 କେତେ ହେବ 21 ହେବ ୨ ଆପଣଙ୍କର 5-9 କେତେ ଆପଣଙ୍କର 5-9 45 ତା ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଏଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବ 21 ଗୋଟେ 45 ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି 5 ଆଉ 7 ରହିବ ତ 5 ସହିତ 35 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ସର ବି କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କ କରିଥିଲେ ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ ଆପଣ କରିପାରିବେ ରାଇଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅମର ମିଥୁନ ଆଣ୍ଡ ସତ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଏ ବିଜନେସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ରେସିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବେ ତାପରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ରେସିଓ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବେ ସୋ ଅମର ମିଥୁନ ଆପଣ ସତ୍ୟର ଯଦି ଆମେ ନେବା ରେସିଓ କିଏ କେତେ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି ତ ଇଏ ହେଉଛି 54 ଇଏ ହେଉଛି 81 ଇଏ ହେଉଛି 75 ଅଯଥା 0 ଲେଖିକି ଆମେ ଜାଗା ବଢ଼େଇବା ନାହିଁ ଏବଂ ସିମ୍ପଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ କାଟିବେ ସୋ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେବ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲି ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 18, 3, 18, 3, 27, 51 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ 3, 25, 75 ରାଇଟ୍ ଏବଂ ସିଏ ଦେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ମିଥୁନର ସେଇଟା 27 ତା ମାନେ 27 ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି 27,000 ତା ମାନେ 1 ୟୁନିଟ୍ କେତେ ମୋର 1000 ଏବଂ ଯଦି ଟୋଟାଲ କରିବେ କେତେ ଆସିବ ନା 70 ତା ମାନେ 70 × 1000 ତା ମାନେ 70,000 ତା ମାନେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ଥିଲା 70,000 ଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବେ 0.01 ଆଉ 0.3 ଦେଖନ୍ତୁ 0.0064 ୟାର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଆପଣ କେତେ ହେବ 0.8 ହେବ 0.08 ହେବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ତାର ସ୍କୋୟାର କଲେ ଆପଣଙ୍କ 4ଟା ଡିଜିଟ୍ ରହିଯିବ ସେମିତି 0.01 ଅଛି 0.08 + 0.01 କେତେ ହେବ 0.09 0.09ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଆପଣ କେତେ ହେବ 0.3 ହେବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 0.09ର ସ୍କୋୟାର ଆପଣ କେତେ ହେବ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ 0.3 ହେବ ଉପରେ ଗୋଟେ 0.3 ତଳେ ଗୋଟେ 0.3 କଟିଗଲା ତାମାନେ ଉପରେ ହେଲା 1 1/0.01 ମାନେ କେତେ 1/100 ତାମାନେ 100ଟା ଉପରକୁ ଗଲା ତ 3 ହେବ ଏହାର ଆନ୍ସର ରାଇଟ୍ 100 ହେବ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲେ
नेक्स्ट देखो डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स बहुत इजी फॉर्मूला आप काढ़ी पारे फॉर्मूला होची रूट ओवर ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर एगुड़ा सब आप पढ़ी थे मुझे मन पकई दे रूट ओवर ऑफ जदि आपर दुईट कोऑर्डिनेट अच्छी गोटे हूँ एक्स वन वाई वन आउ गोटे हूँ आप एक्स टू वाई टू तेल आप डिस्टेंस के काढ़े हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट इज रूट ओवर ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर बुझीपाले सिंपली आपर जब सॉल्व करेंगे थ्री माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस ऑफ माइनस वन होल स्क्वायर तेल आप दैट यू हाव टू इक्वेट इट विथ योर फाइव स्क्वायर बुझीपाले तो यार करेक्ट आंसर आप सॉल्व करेंगे तेज आप पाए गोटे हूँ सेवेन आउ गोटे हूँ आप माइनस वन ठीक अच्छे भले से सॉल्व करले सेवेन और माइनस वन आपे नेक्स्ट आप देखो सेवेंटीन सेवेंटीन में आपको से क्वेश्चन देती है स्टीमर मूव्स एट स्पीड ऑफ गोटे आप इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे पाइबे सीटी आप देखो टाइम दे दीजिए टोटल अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जावासिया कराला आप टाइम के लगे फोर आवर थर्टी मिनिट्स तो मैंने फोर एंड हाफ बा नाइन बाय टू आम लिखिपर डायरेक्टली राइट तापर आप से कौन जे इट मूव्स एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर से डिस्टेंस होती तो मैंने डाउनस्ट्रीम स्पीड गला बेले मोर कौन हम प्लस हम माइनस हम प्लस हम सो 30 बाय एक्स प्लस योर 15 आउ जो आपको जो अपस्ट्रीम हम से 30 बाय 15 माइनस एक्स ओके सो सब मैंने बोट्र स्पीड आप अधिक रहा रादर देन स्पीड ऑफ योर स्टीम जानते सिंपल कनसेप्ट ओके आप कन्फ्यूज होगी एक्स प्लस 15 लिखे एक्स माइनस 15 लिखे ना 15 माइनस एक्स लिखे भाई इतनी सब जिन क्लीयर थी तो डायरेक्टली आप अपसन आप मैंने पुट करेंगे तो यार करेक्ट आंसर आप 5 किलोमीटर पर आवर आपको आसी जाए यही टाइप जो आप इक्वेशन लिखी देखते हैं इक्वेशन जो कम्प्लिकेटेड होती सॉल्व न करके आप डायरेक्टली ऑप्शंस ऑप्शंस को पुट करके आप आंसर पाइपे सो 5 किलोमीटर पर आवर आप आंसर हम नेक्स्ट देखो 18 18 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 60 मीटर टॉल टावर ये हूँ आप गोटे 60 मीटर टॉल टावर फ्रॉम ए पॉइंट एक्स एंड लेवल ग्राउंड एट 30 डिग्री यार एंगल ऑफ एलिवेशन आप 30 डिग्री देती व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड द बेस ऑफ द टावर ये टावर रो बेस आपको पचारे तो मैंने बी आपको पचारे तो सिंपल फॉर्मूला टैन 30 टैन 30 हूँ आपके ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड जानते हैं सो दैट इज हूँ 60 डिवाइडेड बाय आपको ये है बी टैन 30 वैल्यू के टैन 30 हूँ 1 बाय रूट 3 और टैन 60 वैल्यू हूँ रूट 3 ओके एनी कन्फ्यूजन 1 बाय रूट 3 तो मैंने बी है आपंकर बी है 60 रूट 3 एगेन मुझे कहती 60 रूट 3 है रूट 3 वैल्यू के रूट 2 वैल्यू मुझे कहती 1.414 रूट 3 वैल्यू हूँ 1.732 बुझीपारे तो यार करेक्ट आंसर आपको सी 104 आप आंसर हम नेक्स्ट देखो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए हॉल इज 15 मीटर एंड 12 मीटर रेस्पेक्टिवली द सम टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर एंड सीलिंग इज सेम एज द सम टोटल ऑफ द एरिया ऑफ द फोर वॉल्स ओके एरिया ऑफ द फोर वॉल्स फॉर्मूला कौन ना 2 इंटु एल प्लस बी इंटु एच तो एक आपको इक्वेट करियर था क्या सहित ना एल इंटु 2 इंटु एल बी सहित राइट तो एक जब आप इक्वेट करेंगे तो आपको ये एच रैल्यू मिल जाए वन्स आप एच रैल्यू पाई से आपको वॉल्यूम पचार वॉल्यूम फॉर्मूला कौन आप एल बी एच मुझे भावुची क्लियर वॉल्यूम फॉर्मूला डायरेक्टली एल बी एच पकेबे आंसर बाहर 1200 मीटर क्यूब ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए फिक्स डिपोजिट 50,000 इन ए बैंक अर्न्स एट एन इंटरेस्ट ऑफ 7,245 एट द रेट ऑफ 7% कंपाउंडेड एनुअली व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द डिपोजिट यही टाइप क्वेश्चन जो आप देखुंक सॉल्व न करके जदि आपर टे मुंड खटेबे डायरेक्टली आप आंसर पाइपे विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस एवं मुझे आपको भी कही कमी हाउ टू मैंने आपको कमी क्वेश्चंस देखिए सॉल्व करेंगे जो मैंने आफ्टरनून क्लास आपको कंटिन्यू करते हैं देखो कमी आप करेंगे 50,000 रू 7% जब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निए बा सिंपल इंटरेस्ट निए प्रथम वर्ष पर मोर के हम 7% हिसाब से आपको 3500 टाँग हम इज इट क्लीयर 3500 टाँग हम फास्ट इयर पर सेकेंड इयर पर से ही 3500 तो आसो ताने ये 3500 तो आसला प्लस जेहेतु ये कंपाउंड इंटरेस्ट ताने ये 3500 आ 7% पड़े तो मैंने दैट इज के आप 105 हम बुझीपाले ठीक अच्छे तो सरी 245 हम 7 × 35 ना 7 × 35 सो 7 × 3 हूँ आप 210 आ ये हूँ आप 15 तो मैंने 210 प्लस 35 बुझीपाले 7×5 35 प्लस ये है आपको 37 × 210 तो मैंने 245 हो मैंने 7,000 35 35 के 7,000 ये 245 है तो 7245 आप दी वर्ष आपको मिल जाऊँच बुझीपाले जदि मत एक अमाउंट मोर आसी ना ताठ अधिक अमाउंट था पुणी मुझे अगेन आउ थे कर 35 प्लस ये 245 आप रही था प्लस ये 245 ऊपर पुणी 7% पड़ी था बुझीपाले तो यही टाइप आप बिना सॉल्व करके आप आंसर पाइपे सो यार करेक्ट आंसर आप 2 इयर्स हम नेक्स्ट देखो द एटॉमिसिटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री तो एटॉमिसिटी एक्चुअली आपंकर कौन कहतु एटॉमिसिटी होची इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट कॉन्स्टिट्यूट ए मॉलिक्यूल जमीक भावत आपके एक्जामपल आम ना ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन इट कंपोज ऑफ योर टू एटम्स टू ऑक्सीजन एटम से ऑक्सीजन एटॉमिसिटी टू नाइट्रोजन में एन टू राइट सेमती दुईट ओजोन हूँ आप ओ थ्री क्लोरीन भी आप एटॉमिसिटी हूँ आप टू ये सब टू ओजोन हूँ आप कौन यू नो ओजोन फॉर्मूला हूँ ओ थ्री बारंबार आम डिस्कस करें राइट सो
ସେ ସାଇନ୍ସରେ ହଉ ବା ସେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥରେ ହଉ, ଆମେ ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛେ ବହୁତ ଥର ଯେ ଓଜନ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର୍ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର୍, ୟାର ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଆସେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଓଜନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ମଲିକୁଲ, ଓଜନ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ 3 ଆଟମ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ତ ୟାର ଆଟମ୍ ସେଠି 3 ହେଇଥିବାରୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇସ୍ ହେଇଯିବ। ସୋ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଡି ହେବ। ହ୍ୱିଚ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ତ ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ, ଏୟାର ସିମେଣ୍ଟ ସଲ୍ଟ ପେଣ୍ଟ, ତ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ହେବ ସଲ୍ଟ। ଓକେ, ସୋ ସଲ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ଏୟାର ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ମିକ୍ସର, ରାଇଟ୍? ସୋ ଏୟାର ଇଜ୍ ମିକ୍ସର ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍। ଏଗେନ୍ ସରି, ସିମେଣ୍ଟ, ସିମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଅଲ୍ସୋ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ କ୍ଲେ, ସ୍ୟାଣ୍ଡ, ଓକେ, ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍, ଇଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମିଶିକି ହେଉଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ମିକ୍ସର। ଏଗେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଟ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିକ୍ସର। ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣ ଡେଫିନେସନ୍ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ମ୍ୟାଟରକୁ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିପାରିବା। କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଓର ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିକ୍ସର, ବୁଝିପାରିଲେ? ପିଓର ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏଗେନ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଫର୍ମ ଫ୍ରମ୍ ୟୋର୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଫର୍ମ ୟୋର୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଡେସିଓରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆରେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଡିଫାଇନ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଥ୍ରୁ ୟୋର୍ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡସ୍, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ସୋ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିକାଲି ବଣ୍ଡେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗ୍ରାଭିଟି, ସେ କାହାର ଆପଣଙ୍କ ହାଇଏଷ୍ଟ ସେ ଦେଇଛି, ସୋ ଗୋଲ୍ଡ, ଲିଡ୍, ମର୍କୁରି, ସିଲଭର। ତ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଗୋଲ୍ଡର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଅଧିକା ଲିଡ୍ ଠାରୁ। ଓକେ, ସୋ ଲିଡ୍ ଠାରୁ ଗୋଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ୱାନ୍ ଲାଇନର୍ ଜିକେରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିଥିବେ ଯେ ଲିଡ୍ ହାଜ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ, ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ, ରାଇଟ୍? ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗ୍ରାଭିଟିର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ନା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଟୁ ଦ ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ୱାଟର୍। ଓକେ, ସୋ ଗୋଲ୍ଡର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ଅଧିକା। ସୋ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏ ହେବ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇସେସ୍ ଦ ଅର୍ବିଟାଲ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ୱିଦିନ୍ ଏ ସବ୍ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆଟମ୍, ତ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ନମ୍ବର୍। ଇନ୍ ଦ ମଡର୍ନ ପିରିଓଡିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍ସ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟସ୍, ତ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ସୋ ଏସ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବା ଗୁଡ୍ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ତାକୁ କହୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ହାଜ୍ ଡେଟିଭ୍ ବଣ୍ଡିଂ। ସୋ ଡେଟିଭ୍ ବଣ୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସିମ୍ପଲ୍ ଭାଷାରେ ଆମେ କହିବା, ଡେଟିଭ୍ ବଣ୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆଟମ୍ସ ଭିତରେ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଟମ୍ସରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ, ୱେନ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଟମ୍ସ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ବୋଥ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଟୁ ଫର୍ମ ଦ ବଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଡେଟିଭ୍ ବଣ୍ଡ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆଟମ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଟମ୍, ସେ ଦୁଇଟା ବୋଥ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇପୋଲାର ବଣ୍ଡ ବା କୋଡ଼ିନେଟ୍ ବଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ସୋ ୟାର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମୋନିଆ। ଓକେ, ମନେ ରଖିଥିବେ ଆମୋନିଆ ଡେଟିଭ୍ ବଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ। ଓକେ, ସୋ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆଟମ୍ ଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ଆଟମ୍ ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ୟାର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆମୋନିଆ ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରାୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆସେ। ଓକେ, ଏସ୍ଏସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ଆସିସାରିଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଲ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଦାଟ୍ ପ୍ରେସର୍ ଅଫ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ମାସ୍ ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଭ୍ୟାରିଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୱିଥ୍ ଦ ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ୟାସ୍ ୱିନ୍ ଦ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଇଜ୍ କେପ୍ଟ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଗେ ଲୁସକ୍ସ ଲ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଆମଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଆଲୋଇସ୍ ଅଫ୍ ନିକେଲ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମେକିଙ୍ଗ୍ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ସ, ତ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଲନିକୋ। ଆଲନିକୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ୟୋର୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଏନ୍ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ନିକେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଓ ଫର୍ ୟୋର୍ କୋବାଲ୍ଟ। ଓକେ, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ନିକେଲ୍, କୋବାଲ୍ଟ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେରୋ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ। ଏଗେନ୍, ଜର୍ମାନ୍ ସିଲଭର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆୟୁଷ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କରିଛେ, ଜର୍ମାନ୍ ସିଲଭରରେ ସିଲଭର ଥାଏ ନା ନଥାଏ, ଇଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ନୋ ସିଲଭର, ପିଲା କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ବହୁତ, ଏବଂ ଅପସନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲଭର ଦେଇଥିବ। ଇଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଲୋଇ ଅଫ୍ ୟୋର୍ କପର୍, ଜିଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ନିକେଲ୍। ଓକେ, ସୋ କପର୍, ଜିଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ନିକେଲ୍, ତାକୁ ନିକେଲ୍ ସିଲଭର ବି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିଭାଇସ୍ ସେନ୍ସେସ୍ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ପରଫର୍ମସ୍ ଆକ୍ସନ୍ସ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଇଜ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନିୟର୍ ଏ ଡିଜାୟାର୍ଡ ସେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ହେବ ନା, ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ୍ ହେବ। ଓକେ, ସୋ ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଉଭାନ୍ ବା ରେଫ୍ରିଜରେଟର୍ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ କରୁ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ ଗୋଟେ ଡିଜାୟାର୍ଡ ସେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଓକେ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟକୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରେଚର ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ମାନେ ଥର୍ମୋ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଟିକ୍, ଗୋଟେ ସେଇ ଟେମ୍ପରେଚର ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁ। ସେଟା ଓଭେନ୍ସରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ରେଫ୍ରିଜରେଟର୍ସ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ମୋଷ୍ଟଲି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଆଜ୍ ୟର୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ? ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଦେଇଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଫୋର୍ସ। ସୋ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଫୋର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ ଫୋର୍ସ, ରାଇଟ୍? ସୋ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନା, ଯେଉଁ ସର୍ଟ ନା ଲଙ୍ଗ୍? ଓକେ, ମନେ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ ଫୋର୍ସ। ଓକେ, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ। ଓକେ, ସୋ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର
ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଯାଏଁ ଗୋଟେ ମାସ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ୍କକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ତା ଗ୍ରାଭିଟାଟିକି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଣୁଛି। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଫୋର୍ସ ଦାଟ୍ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ରିମେମ୍ବର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱିକ୍ ଫୋର୍ସ, ଓକେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ମାସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କନ୍ଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଇନ୍ ନେଚର। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଦାଟ୍ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଫ୍ରମ୍ ୟୋର୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍କାଲାର୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ସ୍କାଲାର୍ ଭେକ୍ଟର ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ ଏବଂ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଶୁଣି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ଓବିୟସ୍ଲି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କାଲାର୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଏନର୍ଜିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଛି କି, ରାଇଟ୍? ସୋ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ସ୍କାଲାର୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଯାହାର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଏବଂ ଡିରେକ୍ସନ୍ ବୋଥ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଏବଂ ଆୟୁଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଟେନ୍ସର୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଟେନ୍ସର୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଥିବ, ଡିରେକ୍ସନ୍ ଥିବ ଏବଂ ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଟା ଆକ୍ଟ କରିବ, ଆକ୍ଟ କରୁଥିବ, ଓକେ। ସୋ ୟାର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଓକେ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆର୍ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଟେନ୍ସର୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ ଏ ରେନି ଡେ ଦ ରେନ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଆର୍ ଫଲିଂ ଭର୍ଟିକାଲି ଆଟ୍ ଏ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ୍ 10 ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍। ସେ ଇଏ 9 କ୍ଲାସ୍ର ଫିଜିକ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ୟାର ଫର୍ମୁଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଟ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ଭର୍ସ ୱାଇ ବାଇ ଏକ୍ସ। ସୋ ୱାଇ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର 3 ଆଉ ଏକ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 10। ସୋ ଟ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ଭର୍ସ 3/10, ତାହେଲେ ଟ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ଭର୍ସ 0.3। ସୋ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର 16.7 ପାଖାପାଖି ଆସିବ। ସୋ 17 ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଲିଭ୍ କରିଥିଲେ ହିଁ ଭଲ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ୍ ୱେଭ୍ସ। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି GXUV IMR ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଅଲରେଡି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଡିସ୍କସ୍ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛେ। ତ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ 2 ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ହାଜ୍ ଏ ହାୟର ଆଲବେଡୋ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ। ସୋ ହାୟର ଆଲବେଡୋ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ ଅଛି? ଆଲବେଡୋ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରିପିଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତେବେଳେ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଏ ସର୍ଫେସ୍ ଇଜ୍ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସର୍ଫେସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲ୍ଡ ୟୋର୍ ଆଲବେଡୋ। ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ଆଲବେଡୋ ଇଫେକ୍ଟ ଆମେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା କହିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆବଜର୍ଭିଟିଟା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭିଟିଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ମେଜର୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବଳିଲା ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆବଜର୍ଭ କରୁଥିବ। ତ ୟାର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ସରେ ପାଇବେ ସ୍ନୋ କଭର୍, ଓକେ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଥିବ, ଆଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ସ ଦେଇଥିବ, ବା ସ୍ନୋ କଭର୍ ଦେଇଥିବ, ବା କ୍ଲାଉଡ୍ ଦେଇଥିବ। ଇଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେମାନେ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଟ୍ ରେଡିଏସନ୍ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତି, ଓକେ। ସୋ ସେ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଓଭିଅସ୍ଲି ଆଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଇଏ ସବୁ ମାନେ ସିଓର ସଟ୍ ଏବଂ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ମିସ୍ କରିପାରିବେନି, ଓକେ। ଏଗେନ୍ ଏଇଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରେଜ୍ କରିପାରିବେ। ସେ ଦେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ହାପେନ୍ସ ୱେନ୍ 100 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ଆଣ୍ଡ 60 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ଆର୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ସିରିଜ୍। ତ ୟାର ସେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ଯେ ଓନ୍ଲି ଦ 60 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ୱିଲ୍ ଗ୍ଲୋ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ 100 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ 100 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ। ତ ୟାର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ବଲ୍ବ ଆପଣଙ୍କର ସିରିଜ୍ରେ କନେକ୍ଟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବଲ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ଓକେ, ଏବଂ ପାୱାର ଡିସିପେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ଅଧିକା ଯିଏ କରିବ ସିଏ ଓଭିଅସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ବ୍ରାଇଟ୍ଲି ସିଏ ଜଳିବ। ତ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ହେବ 60 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ୱିଲ୍ ଗ୍ଲୋ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ୟୋର୍ 100 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ। ୟାର ଡି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବା କଥା। ତ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ରିଭେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରେଜ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗୁଥାଏ ଆନ୍ସର, ଓକେ। ଏଗେନ୍ ଆପଣ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରନ୍ତି, ବିକଜ୍ ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସୁଥିବେ, ରାଇଟ୍? ସୋ ବଲ୍ବ ଯେଉଁ ବଲ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ହାୟର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ପାୱାର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେଇଛି, କମ୍ 60 ୱାଟ୍, ମାନେ ପାୱାର ଆପଣଙ୍କର କମ୍, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ୟାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା, ଓକେ, ତାମାନେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ କରିବ, ଗ୍ରେଟ୍ ଇଜ୍ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ୟୋର୍ ଗ୍ରେଟର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ଡିସିପେସନ୍ ୟାର ଅଧିକା ହେବ ଏବଂ ୟାର ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ହେବ, ମାନେ ସେ ଅଧିକା ଗ୍ଲୋରି ଆପଣଙ୍କର ଜଳିବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କହିପାରିବା ଯେ ଏଇ 60 ୱାଟ୍ର ବଲ୍ବ ଆପଣଙ୍କର ଜୋରେ ଜଳିବ ଏବଂ 100 ୱାଟ୍ର ବଲ୍ବ ଆପଣଙ୍କର ଡିମ୍ଲି ଜଳିବ, ସିରିଜ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି। ସୋ ବଲ୍ବ ୱିଥ୍ ୟର୍ ହାୟର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ମୋର୍ ଡିସିପେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗ୍ଲୋ ବ୍ରାଇଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ଅଦର ୱାନ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ରିମେମ୍ବର। ସୋ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର 4 ହେବା କଥା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଟର କ୍ୟାନ୍ ବି ସୁପର କୁଲ୍ଡ ଟୁ ଏ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଫ୍, ତ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟ -12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ରେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଗେନ୍ ଆପଣ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କରିବେ। ସୋ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସୁପର କୁଲିଂର ଡେଫିନେସନ୍, ସୁପର କୁଲିଂ ହେଉଛି ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଚିଲିଂ ଅଫ୍ ଏ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ବିଫୋର୍ ବିଲୋ ଇଟ୍ସ ୟୋର୍ ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟ। ସୋ ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର ଆପଣଙ୍କର 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫ୍ରିଜିଂ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଏ। ଏଗେନ୍ ତା ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କୁଲ୍ କରୁ, ଓକେ, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଇସ୍ ହୁଏନି କେତେକ କଣ୍ଡିସନ୍ସରେ, ସେଥିପାଇଁ କି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର -40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଯାଏଁ ଆମେ ତାକୁ କୁଲ୍ କରିପାରୁ। ସୁପର କୁଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର ସେ ମାନେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ୱାଟର କ୍ୟାନ୍ ବି ସୁପର କୁଲ୍ଡ ଅପ୍ ଟୁ ଏ ଟେମ୍ପରେଚର ବିଲୋ ଦେନ୍ -40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଲ୍ସୋ, ଓକେ। ସୋ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଏନି ରିଲେସନ୍ସ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ -12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ସୋ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର -40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଆପଣଙ୍କ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବା କଥା। ଏଗେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରେଜ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ରେଜ୍ କରିପାରିବେ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଆନ୍ସର୍ସ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ,
37 द फेनोमिनन इन हुईज द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर रिलीज फ्रॉम और विद इन ए मटेरियल व्हेन इट अब्सॉर्ब्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नोन एज योर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सो 37 सी हबो करेक्ट आंसर व्हिच एंजाइम डाइजेस्ट फैट्स इन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो यार करेक्ट आंसर आपनकर हबो लिपेज ओके तो लिपेज इज द मेजर एंजाइम्स दैट ब्रेक्स डाउन योर फैट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ओके सो दैट इज योर फैटी एसिड्स एवं आपनकर ग्लिसेरॉल्स हमें कवर अप करिछे बी गुडो डिटेल्स रे फैटी एसिड्स एवं आपनकर ग्लिसेरॉल राइट नेक्स्ट आप देखते व्हिच अमंग द फॉलोइंग मिनरल्स एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बॉडी इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो एलिमेंट दैट इज योर फ्लोरीन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सब्सटेंसेस इन व्हिच दे आर प्रेजेंट इज इनकरेक्टली मैच्ड ओके सो इनकरेक्टली मैच्ड आपको कहे फास्ट ऑफ ऑल आप करेक्ट आंसर मैच कर देखते लैक्टिक एसिड द मिल्क ठीक अच्छे साइट्रिक एसिड लेमन भी ठीक अच्छे एसिटिक एसिड विनेगर भी ठीक अच्छे तो ये क्वेश्चन एगेन आपको गोटे डाउट और आपको ग्रेस आपको मिलवा कथ बट ओएसीसी अनुसार ये टू देती ब्यूटेरिक एसिड दैट इज योर वाइन सो ब्यूटेरिक एसिड एक्चुअली वाइन जब आपको खराब हो जाए से आपको ब्यूटेरिक एसिड आपको वाइन में मिले ओके सो से आपंकर मानने ठीक आंसर तो मानने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपंकर ब्यूटेरिक एसिड वाइन यहाँ को आम ठीक आंसर यहीपाई किपर बिकज वाइन में ब्यूटेरिक एसिड मिले ओके जो आपको किसी मानने आपंकर दही है जो आपको रैंसीडिटी हो जाए मानते खराब हो जाए ओके से आपंकर ये ब्यूटेरिक एसिड आपंकर फर्म हुए यहाँ वाइन में देखा मिले सो यहाँ आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नुह बट ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जब आपको सॉल्व करेंगे तो आपको टू आंसर मारी बट मत लगे एथर आप ग्रेस मार्क मिलिया कथा दैट यू कैन क्लेम अल्सो ओके एनीवेज 41 आपको देखते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रोज बेटर इन द एरिड क्लाइमेट्स एरिड मैंने आपको डेजर्ट एरिया तो यार करेक्ट आंसर आपको जेरोफाइट्स हम आम अलरेडी सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सब प्रीवियस रिपीटेड क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज सेमी परमेबल तो यार करेक्ट आंसर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम नेक्स्ट देखो व्हिच कंपोनेंट ऑफ द प्लांट्स रिसीव स्टिमुलस फॉर योर फ्लावरिंग तो यार करेक्ट आंसर आपको लीव्स हम एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट्स लीडिंग टू पेनफुल मूवमेंट स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन इज नोन एज योर गाउट राइट तो यहाँ को डिटेल आम डिस्कसन करे आयुष एगुड़क सब गाउट इज अ फर्म ऑफ योर इनफ्लेमेटरी आर्थराइटिस जो थे कि गोटे मैंने पर्सनस जो ब्लड में यूरिक लेवल जो आप यूरिक एसिड आप अधिका हो जाए ओके से कौ कौ खाद्य आप खावा कथ नुए एमती क्वेश्चन आसे ओके सो यूरिक एसिड जो आप बढ़ी जाए आप मानने जो हाड़ आप फुली जाए ओके हाड़ गंठी आप व्यथा हुए सो यार करेक्ट आंसर आप गाउट दैट इज योर यूरिक एसिड जो आप बढ़ी जाए एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट्स लीड्स टू पेनफुल मूवमेंट स्वेलिंग और इनफ्लेमेशन आपको हो नेक्स्ट देखो हु हाज बीन रिसेंटली ओन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया सो इंडोनेशिया बहुत आपंकर चर्चा चली सम आप जानते दैट इज जोको विदोदो होती आपका न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट और जेहतु सी तरह कैपिटल आपको मूव करुच्छे ड्यू टू मानने ह्यूज कंजेसन आप जानते सो जाकर्ता विल बी रिप्लेस्ड बाय योर कालीमंथन दैट इज योर आईलैंड ऑफ बोर्नियो ओके वेरी सुन सो जेहतु आपको बहुत क्राउडेड हो जाने कैपिटल मूवमेंट आप जो बहुत गुड आर्टिकल्स तार रिलेटेड आपको चली बहुत न्यूज में था तो आपने अवेयर थे राइट सो जोको विदोदो होती आपको न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ योर इंडोनेशिया के बी सिद्धैया हु पास्ड अवे रिसेंटली इन ए कार रैश वाज द वेटरन पर्सनालिटी इन व्हिच फील्ड सो ही बिलोंग्स टू योर पोएट्री नेक्स्ट देखो 47 मैच द कलम थिला तो यार करेक्ट आंसर आपंकर टू हम नेक्स्ट आप देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल एमती क्वेश्चन आपको भूल करा कथ नुहे सरदार वल्लभ भाई पटेल्स बर्थडे इज ऑब्जर्व्ड आज योर नेशनल यूनिटी डे तो आप जानते सो सरदार वल्लभ भाई पटेल्स एकता दिवस आम मनाऊे एगेन ये आप बहुत थोड़ा क्वेश्चन एवं आपंकर आसानी सो 31 अक्टोबर जेहतु रही नेशनल यूनिटी डे सरदार वल्लभ भाई पटेल आम इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कसन करे सब स्टाच्यू गुड़िक डिस्कसन करते रिलेटेड जहाँ सब इनफर्मेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल डिस्कस करें देखी ने वीडियोस को ओके हु हाज बिकम द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख द न्यूली फॉर्मड यूनियन टेरिटरी तेरे यार करेक्ट आंसर मैं कहते हैं क्वेश्चन आपको आसो दैट इज आरके माथुर ओके एमती क्वेश्चन आपको रिपीट होती विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ साइंड स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेट रोल आउट बिल्डिंग फॉर डिजिटल इंडिया गूगल ये आपंकर मॉक टेस्ट मैं आपको इनक्लूड रही है और यहाँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको रही है डिस्कस करे 50 ए दैट विल बी योर गूगल नेक्स्ट देखो व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स ऑफ द इंडियन वोमेन्स हॉकी स्क्वाड स्कोर्ड द वाइटल गोल दैट हाज लेड इंडियन वोमेन्स टीम टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो हॉकी ओलंपिक्स रानी रामपाल ओके सो रानी रामपाल विल बी अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो द स्टैंडर्ड हरप्पा सील वाज मेड ऑफ योर स्टेटाइट ओके सो मन रखिए स्टेटाइट हूँ आपको गोटे इंपोर्टेंट मटेरियल जो थे कि मैक्सिमम आप सब सिल्स गुड़िक आमको देखा मिले सो इंपोर्टेंट मेटेरियल्स आपको भूलिबेनि आप बारंबार भी आम कही हरप्पा सिविलाइजेशन आम पढ़ी सो ता सहित भी आमको
बहुत अलग स्टाच्यू भी मिले जमीक टेराकोटा गोल्ड आइवरी आपको मिले मेनली एगुड़ी सब आप स्क्वायर सेप्रे आमको देखा मिले और बिजनेस कमर्सील पर्पज मैंने कमर्सील पर्पज जेहतु आपको आउ गोटे जगह तार एक्सकेवेशन देखा मिले सो मेनली कमर्सील पर्पज से गुड़क यूज हुए ये जो पोर्ट्स एंड पटरीज जो स्टाच्यूज गुड़ी पाइजे व्हिच व्हाट वाज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ द पीपल इन द अर्ली वैदिक पीरियड सो यार करेक्ट आंसर विल बी बार्ली दे अगेन देखो ये क्वेश्चन आपको रिपीट होती राइट सो ये क्वेश्चन आपको सप्लाई इंस्पेक्टर आपको आसाला ये क्वेश्चन आपको रिपीट होती सो व्हिच अमंग द फॉलोइंग किंग्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी हैज बीन कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त आपका करेक्ट आंसर हम नेक्स्ट देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन आपको 55 रो 2 हम करेक्ट आंसर केमी आप नंदा डायनेस्टी हमें डिस्कस करते महापद्मानंद आप जानते हैं शिशु नाग हूँ आपको कौन कालाशोक एति की आपको आंसर बाहरी पड़ी राइट तो युवक आपको भावे ठीक करेंगे 56 आपको देखो हू अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ कलिंग बिलंग्स टू ए डायनेस्टी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स थ्री तो या उपर आम ए सब डिस्कशन करते जब आपको मन थी तो अनंग भीमदेव अनंत ब्रह्मा चड़ गंगदेव और आप नरसिंहदेव इम समस्त होते आप कौन गंगा डायनेस्टी आपको रूलर ओके कपिलेन्द्र देव जो आपर रही सो कपिलेन्द्र देवर गजपति डायनेस्टी तो भावुच्छे आपने मन रखिथे कपिलेन्द्र देव होती आपर हि वाज द फाउंडर ऑफ योर गजपति डायनेस्टी तो मन रखिए नेक्स्ट आप देखो हू अमंग से ऑड वन ये हम तो थ्री हम करेक्ट आंसर हू अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स इन जहांगीर्स कोर्ट हा ट्रांसलेटेड द उपनिषद एंड भगवत गीता तो ये आपका दारा शिखों पीरियड आपको बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन ओके उपनिषद भगवत गीता तापर हूँ आप योग वशिष्ठ रामायण ये सब आप पर्सियल लैंग्वेज को ट्रांसफर्मेशन होता दारा शिखों पीरियड में हू अमंग द फॉलोइंग मराठा रूलर्स वाज बेटर नोन एज साहू सो ऑफिशियल आंसर हिसाब से आप शिवाजी टू ओके व्हिच राजपूत किंग हाज कंस्ट्रक्टेड द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज एट योर दिल्ली जयपुर आउ उज्जैन तो यार करेक्ट आंसर आप सवाई जय सिंह ओके वेरी इंपोर्टेंट रूलर दैट यू नीड टू रिमेम्बर सवाई जय सिंह नेक्स्ट आप देखो सी होती आप गोटे हिंदू राजपूत रूलर आपंकर अंबेर रे आपंकर से राजा थे ओके नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ फास्ट फोर्ट्रेस कंस्ट्रक्टेड बाय द इंग्लिश इन इंडिया तो यार करेक्ट आंसर हाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज ओके जोटा कि मद्रास रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपर से ओके सो चेन्नई जोटा कि आम बर्तमान आपे आपर सेंट जॉर्ज को आपर व्हाइट टाउन आपर कहुए नेक्स्ट देखो व्हिच गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विथ महाराजा रंजीत सिंह इन 1809 तो यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टेंट ट्रीटी और यहाँ हूँ रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपको बारंबार आपंकर आसे तो एक आपंकर जो टीटी ऑफ अमृतसर रही है आप म्यूचुअल फ्रेंडशिप टीटी कहुए एमती क्वेश्चन आगर आसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीटी इज नोन एज म्यूचुअल फ्रेंडशिप और मिंटो मेटकाफे टीटी आपको कहती मिंटो मेटकाफे टीटी तो कौन पर आपला सो दैट आप सिख आप सतलुज को पार करके आने टेरीटोरीज को आनेक्स करें ओके तो से लॉर्ड मिंटो आपर टीटी आपर करते रंजित सिंह अमृतसर अमृतसर जे राजा थे रंजित सिंह सहित टीटी ऑफ अमृतसर आप सैन थी 1809 तो ये आपर मन रखिए मिंटो मेटकाफे टीटी कहुए ओके सो करेक्ट आंसर आपको थ्री हम नेक्स्ट आप देखो कनसिक्वेंटली अपन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज द टीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम साइन तो आम ये क्वेश्चन को बारंबार डिस्कस करे आपर ओएसएससी आपर जो रिविजन क्लासेस करते हैं डिस्कसन करते सो थर्ड आंग्लो मैसूर वार आम आपर टीपू सुल्तान विषय में डिस्कस करे हैदर अली विषय में डिस्कसन करते हैं सब आंग्लो मैसूर वार में भावुच आप मन थी तो यार करेक्ट आंसर आपको हम थर्ड आंग्लो मैसूर वार सो टीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम दैट वाज साइंड ऑन योर केबे 18 मार्च 1792 रे आपन साइन करा कि थर्ड आंग्लो मैसूर एंड आपर सरी ओके सो इट एंडेड इट लेट्स टू सब बेले जो आप वार आपर सरे आपल सो गोटे टीटी आपर साइन हुए राइट सो लॉर्ड कॉर्नवालिस आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बिहाफ रे से साइन करते एमती क्वेश्चन आसे हू साइंड योर आंग्लो मैसूर जो थर्ड आंग्लो मैसूर वार और टीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम फ्रॉम योर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो यार करेक्ट आंसर विल बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ओके अगेन आम कॉर्नवालिस विषय में इंपोर्टेंट आपको सब डिस्कशन करे नेक्स्ट आपको देखो मैंने इंपोर्टेंट गवर्नर जनरल वाइसरॉय वीडियो जो आम करते हैं डिस्कशन सब करते राइट देखो व्हेयर डिड रानी लक्ष्मी ब्रेथ हर लास्ट व्हाइल फाइटिंग विथ द ब्रिटिश फोर्सेस अगेन हूँ ये आपको रिपीटेड क्वेश्चन ओएसएससी रे एक क्वेश्चन आपको लड़ी आसी ओके सो सॉरी सो रानी लक्ष्मी एक्चुअली खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी तो शुनी थे सब डायलॉग सो यार करेक्ट आंसर आपको हम ग्वालियर ओके सो जदिओ रानी झांसी बाई से झांसी की रानी लक्ष्मी आपको कहुए बट मोस्ट ऑफ द पीपल ये कन्फ्यूज मैंने भूल करती तो यार करेक्ट आंसर आपको हम ग्वालियर ओके सो आपर जानते लक्ष्मी बाई क्या बाहर तो जो राजा गंगाधर राव ओके गंगाधर राव को सी आपर बाहर से गोटे छुआ को आडप्ट करती जोटा कि मैंने से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपर मानती डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपने समस्त पढ़ी थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दैट इज दैट वाज एग्जीक्यूटेड बाय योर लॉर्ड जो
डॉक्ट्रिन ऑफ लव वाज एग्जीक्यूटेड बाय योर लॉर्ड डालहौसी, समस्त आपण मन रखिथे। सो लॉर्ड डालहौसी आपंकर एग्जीक्यूट आपंक करते डॉक्ट्रिन ऑफ लव्स को, और यही डॉक्ट्रिन ऑफ लव्स अनुसार आप झांसी की तांको कंट्रोल को नहीं जाइए, बिकज सी जो अडॉप्शन जो करते सी ऑफिशियल हायर भाव में डिक्लेयर से एक्सेप्ट कर ब्रिटिशर्स मैंने। ओके नेक्स्ट आप देखो 64 आप देखो व्हेयर डिड द मोपला रिबेलियन टेक प्लेस। तो मोपला रिबेलियन वेरी इंपोर्टेंट। ओके मोपला रिबेलियन आप जानते केरला आपंकर दैट इज योर मालाबार कोस्ट। ओके सो मोपला रिबेलियन समस्त आपने ऑलरेडी डिस्कशन करते, तो यहाँ हूँ गोटे बहुत इंपोर्टेंट आपंकर मूवमेंट। ओके सो यार करेक्ट आंसर आप मालाबार कोस्ट। नेक्स्ट देखो ओडिशा बिकेम सेपरेट स्टेट इन 1936 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सो 1912 डिविजन 1936 डिविजन आम बहुत क्लीयरली आप डिस्कशन करे 1936। सो 1936 जो आप गवर्नर थे से होते आप सर जॉन ऑस्टिन हबक। तो यार ओडिशा रिलेटेड आम जो जिके आप करते ये क्वेश्चन आम डायरेक्टली डिस्कसन करे ओडिशा पॉलिटी रे। सो जॉन ऑस्टिन हबाक आप समय आप गवर्नर थे सी वाज अराउंड द मैंने गवर्नर आप 1936 रु 38 पीरियड जाएँ सी आपले, और ये जो ऑप्शन देखिए जॉर्ज टाउनसेंड बर्क परे थे। ओके से ये कन्फ्यूज आप हेनी। नेक्स्ट आप देखो ये माउंटेन्स देती है तरह टेरीटोरी आप आप जानते हैं अप्लेसियंस अप्लेसियंस इज योर इन योर नॉर्थ अमेरिका राइट। सो यूएस आप सिमिलरली आप अटलास माउंटेन दैट इज इन योर दैट इज इन योर मोरक्को। ओके सो मोरक्को ये आपसन आप रही। नेक्स्ट आप देखो पिरेनिस। सो पिरेनिस माउंटेन आप यूरोप्रे जोटा कि आपंकर गोटे बाउंड्री फर्म करे आप स्पेन आउ फ्रांस भितर नेचुराल बाउंड्री भले से आक्ट करे। ओके देन आप तीन सा हूँ आप हम आंसर कजाकस्तान। ओके नेक्स्ट आप जाग्रोस। सो जाग्रोस हूँ आपंकर ईरान इराक्स जो आपंकर रही है सेपटे आपको देखा मिले दिस जाग्रोस माउंटेन। सो यार करेक्ट आंसर आप 4। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स इज लोकेटेड इन द साउथर्न अटलांटिक ओशन। सो यार करेक्ट आंसर आप फॉकलैंड हो। नेक्स्ट देखो व्हिच सिटी दो लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द इक्वेटर एक्सपीरियंस ए कूल क्लाइमेट। तो ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप रिपीटेड हुए, तो यार करेक्ट आंसर आप नैरोबी। नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ योर केनिया राइट। ताको आप कूल वाटर आपको कहुए से जदिव से आप इक्वेटर टू क्लोज बट ये मैंने से आप कूल क्लाइमेट से आप रहे। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। तो यार करेक्ट आंसर आप गोवा हम। नेक्स्ट देखो थ्री ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द टॉपिक ऑफ कैंसर आइडेंटिफाई अदर वन। तो यार करेक्ट आंसर आप नागपुर हम आइजवाल भोपाल गांधीनगर ये सब आप इक्वेटर टॉपिक ऑफ कैंसर पाखे सब आप रही। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स विल यू नोटिस द माउंटेन पासेस इन द वेस्टर्न घाट फ्रॉम योर नॉर्थ टू साउथ। तो यार करेक्ट आंसर थालघाट भोरघाट आपंकर चोलाघाट आप पालघाट। ओके सो थ्री करेक्ट आंसर हम। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर्स आर एसोसिएटेड विथ वाटरफॉल्स। तो ये देखो चालाकुदी जोटा कि आथिराफिली फल्स आपंकर रही। सो दैट इज इन योर चालाकुदी एरिया आप रही जोटा कि आप केरला रही। सिमिलरली आप दूधसागर मांडवी ये आपको बहुत इंपोर्टेंट ये आप भूल करेंगे मांडवी दूधसागर दैट इज इन योर गोवा। ओके सो ताको आप सी ऑफ मिल्क कहते दूधसागर। ओके नेक्स्ट हूँ आपंकर बहुत क्वेश्चन पड़ी दूधसागर आप कौटी अच्छी। ओके मांडवी आप कौटी आप बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत आसे। देन हूँ आप शरावती दैट इज योर जरसपा और तुंगभद्रा होगेनकेल ये आप भूल अच्छी बिकज ये जो आप होगेनकेल जो आप रही होगेनाकल। सो दैट इज इन योर कावेरी रिवर आप रही जोटा कि तमिलनाडु रही। सो ये आप करेक्ट आंसर मैंने आप भूल अच्छी। सो 4 विल बी अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ उदयपुर इन राजस्थान। तो यार करेक्ट आंसर आप हम पिचोला हम करेक्ट आंसर। ओके सो पिचोला लेक दैट इज इन योर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट जोटा कि राजस्थान रही दैट इज अल्सो ए फ्रेश वाटर लेक। नेक्स्ट आप देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पैलेस इज वेल नोन फॉर इट्स रावाइन्स। रावाइन्स तो बहुत फेमस आप जानते हैं चंबल ये सब आप मैंने भूल करने कथ नुए ये सब क्वेश्चन गुड़िक। ओके सो द मेजर लाइफ लाइन हूँ आप चंबल रिवर जोटा कि आपंकर कौटी आप रही चंबल रिवर। चंबल रिवर इज इन योर राजस्थान। सॉरी सो चंबल आप मन रखिए। सो दैट फ्लोस फ्रॉम योर गोटे इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी हूँ से यमुना रिवर रो। ओके सर आप विंध्या रेंज दैट इज मध्यप्रदेश और राजस्थान में फ्लो हो। ओके सो नेक्स्ट आप देखो हूँ व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ योर पर्ल मिलेट बाजरा इन योर इंडिया दैट इज योर करेक्ट आंसर आप राजस्थान। नेक्स्ट आप देखो सो ये ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम आप रही है आयुष असिस्टेंट रंकर सीपीएस मॉक टेस्ट और आयुष मॉक टेस्ट आप रही है जो दोज हुआ इंटरेस्टेड पीपल कैन गो थ्रू इट और ऑनलाइन आयुष
असिस्टेंट प्रोग्राम जो आपको रही है फुल कोर्स एपंर प्राय क्वेश्चन आपको देखा मिले और बहुत गुड़े भिडियोस अपलोड होती जो आपको एनरोल करते हैं चेक करूँ और आपको जो आयुष मॉक टेस्ट आपको परचेज करते हैं आपको सेक्शन अनाल आपंकर बोटनी और जूलोजी क्वेश्चन आपको पड़ी ताको आपको चेक करेंगे सो दैट एक्जाम आपको हेल्पफुल हम ओके नेक्स्ट आप देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैरेजेस इन ओडिशा इज अंडर कंस्ट्रक्शन एट प्रेजेंट तो यार करेक्ट आंसर आपको आनंदपुर अंद बैतरणी आपको करेक्ट आंसर हम टू व्हिच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया डज द चंदका फॉरेस्ट बिलोंग्स तो यार करेक्ट आंसर आपको कौन हम दैट इज ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट सो 77 रो 4 हम ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यार करेक्ट आंसर हम व्हिच इज द लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इन इंडिया दैट इज योर कोयना ओके सो समस्त आप मन रखिए यहाँ हूँ गोटे आप इंपोर्टेंट पीवीएस क्वेश्चन और मैंने प्राय रिपीट हुए सो द कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट इन योर इंडिया ओके नेक्स्ट आप देखो जेहत आप कोयना रिवर अच्छे से ना आप कोयना डैम ओके नेक्स्ट आप कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहुए थ्री ऑफ द फॉलोइंग माइनिंग बेल्स इन इंडिया प्रोड्यूस कॉपर जो आज जानते खेत्री राजस्थान देन हूँ आप मालंगखंड दैट इज इन मध्यप्रदेश और सिंहभूम राजस्थान में ये सब हूँ आपको इंपोर्टेंट आप जोटा कि मैंने माइनिंग एरियाज टू प्रोड्यूस योर कॉपर तो यार मैंने ऑड वन हूँ आप नेलोर आंध्र प्रदेश सो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट आप देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन योर इंडिया सो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन योर इंडिया विल बी योर भिल्स ओके नेक्स्ट देखो हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए फेमस वोकालिस्ट ऑफ योर हिंदुस्तान क्लासिकल ट्रेडिशन ये आप रिपीटेड क्वेश्चन ओके ऐसे ओएसएससी ही आसी थला सो पंडित भीमसेन जोशी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपस आर देयर लोकेशन इज करेक्टली मैच्ड तो यार करेक्ट आंसर आप देखो बी हम करेक्ट आंसर दैट इज योर आनिमेस लोचा दैट इज इन योर बोध गया ओके सो 82 आप करेक्ट आंसर बी हम नेक्स्ट आप देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्ट ओडिया मैगजीन पब्लीश्ड तो ये क्वेश्चन आपको रिपीट होती है और ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट रही है सो बोध देनी आप करेक्ट आंसर यही टाइप क्वेश्चन आप भूल करेंगे फास्ट ओडिया मैगजीन आपने मन रखा दरकार बोध देनी जोटा कि आपका बालेश्वर पब्लीश होता है 1861 में बेसिक इनफर्मेशन जमा भी आपको भूलिवे ओके सो ओडिया लिटरेचर को मेनली बढ़ावा देवाई ये आप रही है नेक्स्ट देखो हु इज द अथर अफ द फेमस नोबेल दैट इज योर गणदेवता ये आप गोटे रिपीटेड क्वेश्चन सो गणदेवता गोटे हूँ बेंगली नोबेल ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा आपको लिखा ही जो कि ज्ञानपीठ अवार्ड सम्मानित करते आप बेंगल जो मानने से जहाँ बेंगली बेंगल जो कंडीशन थी पॉवर्टी जमी आप मानने इग्नोरेंस तो यार ऊपर ही मेनली से बहटी आप रही है नेक्स्ट आप देखो व्हिच मैच द फॉलोइंग आपको देती सो मैच द फॉलोइंग आप करेक्ट आंसर हूँ आप सो देखने मै कैंप तो आप बहुत फेमस बुक कौन एडल्फ हिटलर आपसे जानते देन हूँ आप कन्फेशन हूँ आप जेजे रुसो राइट देन हूँ आप गैदरिंग स्टॉर्म दैट इज हूँ आप विंस्टन चर्चिल तो आप देखने वेल्थ ऑफ नेशंस सो वेल्थ ऑफ नेशन आप दैट इज वेल्थ ऑफ नेशन दैट इज योर एडम स्मिथ ओके सो वेल्थ ऑफ नेशन आप एडम स्मिथ देन हूँ आप मदर मदर हूँ आप मैक्सिम गोर्की मैक्सिम गोर्की ओके नेक्स्ट हूँ आउ तो आम डिस्कस कले मे कैंप हूँ एडल्ट फिल्टर किसी इंपोर्टेंट बुक्स को आप धरिकी आप मैच द फॉलोइंग करेंगे इजी हम राइट जमीक मे कैंप एडल्ट फिल्टर आउ जहाँ बाकी अलग अप्सन अच्छे आप सीधा काटिदेवे ओके यही टाइप अप्सन एलिमिनेशन मेथड यह सब क्वेश्चन सल्व करेंगे कारण सबुतक अथर और बुक्स इट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स द व्हिच स्टोन हैज बीन आम डिस्कस करे सब क्वेश्चन सो व्हिच स्टोन हैज बीन यूज्ड इन लार्ज स्केल फॉर एक्सटर्नल कार्विंग्स इन द कोणार्क टेम्पल सो दैट इज योर खंडालेट स्टोन ओके सो दैट इज योर मोनोलिथ स्टोन आम डिस्कस करते सो दैट इज योर खंडालेट मटेरियल आपको ये सब या सेन्थ तिरुवल्लुवर टले स्टाच्यू लोकेटेड इन योर दैट इज योर कन्याकुमारी सो 87 करेक्ट आंसर आप कन्याकुमारी जोटा कि आपको रही है तामिलनाडु आपको रही तो यहाँ आप गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अलरेडी यहाँ गोटे आसी कौन गोटे रेलवेज की आईबी गोटे आसी नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ योर महाराष्ट्र सो दैट इज योर लावनी ओके सो 88 ए आप मन रखिए लावनी दैट इज ए ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ योर महाराष्ट्र नेक्स्ट देखो व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्फसिस ऑफ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी रिपीटेड क्वेश्चन इन योर मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स ओके बहुत कॉमन क्वेश्चन से सो एटा भूल कर नहीं भाई आर्टिकल 17 दैट इज योर अनटचेबिलिटी ओके नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम ए कंट्री डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री सो यहाँ हूँ आपका प्रेसिडेंट नोमिनल हेड जोटा कि नोमिनल हेड प्रेसिडेंट दैट इज बोरोड फ्रॉम योर यूके नॉट यूएसए मन रखिथे ओके आउ अलग सब आप यूएस रु बोरो नेक्स्ट देखो द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉयज
पैरिटी विथ नॉन रेसिडेंट इंडियंस इन रेस्पेक्ट ऑफ थ्री ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज अदर फील्ड। ये क्वेश्चन मध्ये आपण रिपीट होईल। ओके, तो यार करेक्ट आंसर आपण का एक्विजिशन ऑफ योर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। आउ सब आपण इक्वल बट दिस इज एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, ये आपण करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट देखो, व्हिच वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ये मध्ये आपण रिपीटेड क्वेश्चन। ओके, सो फजल अली कमिशन आपण डिस्कस मध्ये बारंबार ये क्वेश्चन आपण करीचे। ओके, ओएसएससी रे ही रिपीटेड क्वेश्चन हो, बहुत थर रिपीट होगा। ओके, आगे को मध्ये रिपीट हो पारे, तो ये क्वेश्चन सब आपण भूल करेंगे केबे भी। ओके, आंध्रा स्टेट आंध्रप्रदेश आपण जानते दैट इज द फास्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, जोटा कि केवे आपको 1953 आपको होता आंध्रा स्टेट रही है, तापर तार ना आंध्रप्रदेश होता, तेलुगु स्पीकिंग पीपल को लेकिन आप आंध्रप्रदेश होता। नेक्स्ट आपको देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 93, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जुरिसडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रेफर्स टू द आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो दिस विल बी योर रिवाइजरी जुरिसडिक्शन। ओके, सो रिवाइजरी जुरिसडिक्शन दैट इज कॉन ना रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और एनी रूल्स मेड अंडर योर आर्टिकल 145। सो योर करेक्ट आंसर विल बी योर माने रिवाइजरी जुरिसडिक्शन आपंकर हबो। सुप्रीम कोर्ट रो पावर आपंकर रहिछ जे सी जो कोनो से आपंकर जजमेंट आपंकर देथिला ताको से रिव्यू करि परिबे। ओके, नेक्स्ट आपण देखंतु आरसीईपी रो फुल फॉर्म मिटी आपंकर पचारछि दैट इज होछि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ओके, आरसीईपी कोऑपरेशन नहि कॉमर्स नहि। ओके, सो कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी। ओके, सो एटा होछि आपंकर ओटे ट्रेड फ्री एग्रीमेंट, एक्चुअली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जोटा कि एशिया पैसिफिक रीजन रे आपंकर साइन हुए विथ द जो माने फ्री ट्रेड आपंकर करिया पे। ओके, नेक्स्ट होछि आपंकर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन होछि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हिच इनिशिएटिव इज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एंड स्ट्रेंथन इंडियास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दैट इज होछि मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ओके, 95 रो सी होछि आपंकर मेक इन इंडिया प्रोग्राम आपंकर करेक्ट आंसर हबो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी कैरिड आउट बाय द योर नाफेड, तो यार करेक्ट आंसर होछि देखंतु से पछि व्हिच इज नॉट एन एक्टिविटी। ओके, दैट इज करेक्ट बाय योर नाफेड, तो यार करेक्ट आंसर हबो इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर बफर स्टॉक एंड योर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, सो से होछि आपंकर एफसीआई नॉट योर नाफेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हिच द फॉलोइंग कमोडिटीज इज इंडिया सेल्फ सफिशिएंट, सो यार करेक्ट आंसर आपंकर हबो मिल्क। ओके, सो मिल्क होची यार करेक्ट आंसर हबो 97 रो सी। नेक्स्ट होची आपंकर देखंतु इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन इंडिया इज द परसेंटेज शेयर ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर इज द हाईएस्ट, सो यार करेक्ट आंसर आपंकर हबो सुगर प्रोडक्शन। ओके, सो 98 सुगर प्रोडक्शन रे आपंकर हाईएस्ट हबो। नेक्स्ट होची विथ व्हिच कंट्री हैज इंडिया साइन द करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट ऑफ करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट, सो यार करेक्ट आंसर आपंकर हबो 99 रो पाकिस्तान। ओके, बहुत माने आपंकर न्यूज रे रहितला, सो बहुत वर्ष परे जेतु आपंकर न्यूज रे आपंकर रहितला, सो जो गुरुद्वार को नेकी ता जेतु आपन खोला हितला, सो हिंदू स्वयर अलाउड एवं सेथरे आपनकर माने बहुत एग्रीमेंट्स मध्ये आपनकर साइन कराई छी एवं बहुत माने आपनकर इन्वेस्टमेंट मध्ये आपनकर करा हो छी से जो एग्रीमेंट साइन कराई थे आप कौन ना इंडिया आप 5000 विजिटर्स डेली बेसिस विदाउट वीजा ट्रावेल करेंगे सकाल जाइए पुणी सन्दा आप फेर। ओके, तो बहुत गुटे प्रोजेक्ट्स बहुत गुटे एग्रीमेंट्स आपको विभिन्न कंपनी स्पन्सर्स कर बहुत से आपंकर रही है। ओके, मैंने बहुत आपज रही है गोटे हट टपिक आपला करतारपुर कराइडर एग्रीमेंट राइट हाउ मेनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स बट ये आप मन रखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओके, ए मैंने मैक्सीम आपको आसव गुरुद्वारा दरबार साहेब को विजिट करने 5000 इंडियन पिलग्रिम को गोटे डेली बेसीस आलाउ कराऊँ क्वेश्चन आपको पचारि पारे तार नंबर्स भी पचारि पारे और तार काम आपको पचारि पारे एग्रीमेंट कौन मेनली एम रही। हाउ मेनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स वेयर साइन बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी ड्यूरिंग द रिसेंट विजिट ऑफ द जर्मन चांसलर दैट इज योर एंजेला मर्केल टू योर इंडिया, सो योर करेक्ट आंसर विल बी योर 17। ओके, सो 17 एग्रीमेंट्स वेयर साइन। सो ये आपंकर मॉक टेस्ट जो आपंकर बीएससी रो टोटल आपंकर कंप्लीट फुल सॉल्यूशन एवं एनालिसिस एवं जो क्वेश्चन आपको कहली सेतर आपंकर ग्रीवेंस आपंकर रेज कर परंती इधर टू मैंने आपको कौन थे ग्रेस मिले ना आपको फुल आंसर फुल मार्क आपको मिले। ओके, आपंकर किए के स्कोर करते आपंकर कमेंट्स आपको जनातु सो दैट वी कैन डिसाइड मैंने आपंकर आवरेज कट ऑफ आपको कैसे कौन जाइए। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम आपंकर आयुष रही है रबर आपंकर आपंकर इंपोर्टेंट एग्जाम होती है आप सीपीएससी प्रिलिम्स आपंकर रोचे आपंकर ओ ट्रिपलसी क्लर्क रोच ओपीसी क्लर्क आपको रोचे, तो ये सब हूँ इंपोर्टेंट एग्जाम यहाँ पर समस्त भले से पढ़ापढ़ करूँ और ये क्वेश्चन गुड़ी थोड़ा रिवाइज करेंगे जब डेफिनेटली आपको हेल्प हम। ओके, सो और आम जहाँ सब आप कोर्स रही है दैट इज अवेलेबल इन योर www.odishajobacademy.com, सो जो आपको इंटरेस्टेड यू पीपल कैन गो टू आवर साइट एंड यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।